नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सबसे अहम बात टीवी 9 भारतवर्ष पर, आज आप देखेंगे सत्ता सम्मेलन जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े तमाम बड़े चेहरे मंच पर आपको नजर आने वाले हैं और उस पर होंगे अहम सवाल, यानी कि क्या होने वाला है 10 मार्च को, उसका एक ट्रेलर आज सत्ता सम्मेलन के इस मंच से देखने को जरूर मिलेगा। उस मंच पर भी चलेंगे और देश और दुनिया की कौन सी बड़ी खबरें हैं, राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले इन बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई टॉप खबरों पर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सम्मेलन, यानी कि 11 बजे से सत्ता सम्मेलन में प्रदेश के तमाम सियासी दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। आज मथुरा का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे, बांके बिहारी मंदिर में करेंगे पूजा, श्री जी बाबा विद्या मंदिर में कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। दोपहर 3 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, तुगलपुर गांव में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद डोर टू डोर कैंपेन। 29 जनवरी को आजम खान के गढ़ रामपुर जा सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, रामपुर में बीजेपी के डोर टू डोर प्रचार में हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से मुलाकात के बाद बोले गृहमंत्री अमित शाह, जयंत चौधरी अच्छे शख्स हैं लेकिन उन्होंने गलत घर चुना है। अमित शाह से मिले ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को देना चाहिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं के साथ बैठक में बोले अमित शाह, आपने साढ़े छह सौ साल पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, हम आज के जमाने में मुगलों से लड़ रहे हैं। जाट नेताओं के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा है जाट समाज, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से भीड़ नहीं जुटाई। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, का प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले इतिहास ही रहेंगे, दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव है प्रदेश की पहचान। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में करेंगे चुनाव प्रचार, 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम। शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, बोले अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, विधानसभा की 60 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। यूपी चुनाव पर टीवी 9 भारतवर्ष का सबसे सटीक ग्राउंड सर्वे, यूपी में कांटे वाली 47 सीटों में से बीजेपी को 25 और एसपी को 18 सीट। यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह की धमकी भरा ऑडियो हुआ वायरल, बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अरुण जायसवाल को दी धमकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 बजे करेंगे नामांकन, खटीमा में जनता से कर रहे मुलाकात। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए, कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सभी पदों से हटाया, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अब रामनगर की जगह लाल कुआ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, हरीश रावत की बेटी अनुपमा को मिला हरिद्वार ग्रामीण से टिकट। उत्तराखंड के झबरेड़ा में टिकट कटने की आशंका पर वर्तमान विधायक देशराज कांडवाल के समर्थकों ने देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ नारेबाजी की। आज से 4 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल जालंधर अमृतसर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। ट्विटर पर फॉलोअर कम होने पर राहुल गांधी ने ट्विटर से शिकायत की है, बोले सरकार के दबाव से नहीं मिल पा रहे हैं नए फॉलोअर्स, ट्विटर का जवाब हेर फेर और स्पैम के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति।
आज मिशन पंजाब पर राहुल गांधी वर्चुअल चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर में टेकेंगे मत्था। 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थस्थल का करेंगे दौरा। पंजाब में नवजोत सिद्धू के खिलाफ ताल ठोकेंगे बिक्रम मजीठिया। अकाली दल ने अमृतसर पूर्व से बनाया उम्मीदवार। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने किया मजीठिया पर पलटवार। बोली मजीठिया बताए कि वो जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे या जेल से बाहर। सिद्धू के खिलाफ बिक्रम मजीठिया को मैदान में उतारने पर बोले सुखबीर सिंह बादल। सिद्धू के अहंकार को खत्म करने के लिए मजीठिया को मैदान में उतारा। सीएम बनने के सवाल पर पंजाब के डेप्यूटी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा अमृतसर में उन्होंने बयान दिया मैं दिल से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।